अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, मेरा नाम किशमिश है एंड बकवास न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत नहीं होता भाई। एक तो इंडियन ड्रामे देखते कि ना पूरी तबान में हिंदी घूम रही है सब आपकी आपका नेवर माइंड, यू वेलकम बाय द वे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू पाकिस्तानी मैन स्पेशली मैन हेट BTS। So the first thing why they hate BTS is because apparently वो उनको लड़के नहीं लड़कियाँ लगती हैं, नहीं मतलब उनका जेंडर लड़कों का ही होता है लेकिन according to पाकिस्तानी men they look like females। अब मसला ये है कि ये तो ठीक है कि आपको इस वजह से वो बुरे लगते हैं, लेकिन let me comment on that। कमेंट होता है लेकिन कमेंट चलेगा भी सही। सो पाकिस्तानी मर्द ये सोचते हैं कि यार वो लोग लड़कियों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो लड़कियों की तरह नहीं दिखते, वो बेसिकली कोरियन लड़कियों की तरह दिखते हैं, यानी कि दे आर सिमिलर टू द अदर जेंडर वेयर दे लिव। मतलब वो जिस भी जगह जिस भी रीजन में रहते हैं तो उनकी अपेयरेंस जो है उनसे मिलती है, मतलब औरतों से वहाँ की मिलती है। अब ये उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा है तो है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी लड़कियां वकार ज़्यादा जैसे दिखती हैं ना, किसी ने कुछ कहा नहीं। अब वो थोड़ी आपको आके बोलते हैं कि आपके दोनों जेंडर शेक जैसे हैं, आप उनको फालतू में प्रिंसेस बनाए जा रहे हैं। अगर उनके लड़के लड़कियाँ ऐसे दिखते हैं तो आपके लड़के लड़कियाँ भी तो ऐसे दिखते हैं, तो आपके भी लड़के लड़कियों जैसे ही दिखते हैं यहाँ की, आई मीन विदाउट मेकअप, मेकअप के साथ तो सभी हूर लगते हैं। ओके सो द सेकंड थिंग इज उनके बाल। पाकिस्तानी मर्दों को कोरियन बैंड्स के सिंगर्स के या स्पेशली BTS के, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा वही फेमस है, लेकिन उनको उनके बाल नहीं पसंद, आई मीन द हेयर कट। लाइक ये कैसे खुसरों जैसा हेयर कट है, एक मिनट I would like to pause that। अगर ये खुसरो वाला हेयर कट है तो बचपन में 5 रुपए की कुल्फी के पीछे कौन अब्बा के साथ जाके कटोरा कट करवा के आता था नाई से? Guess who? You। Yes, you। Yeah, you। वाकई में I'm not even kidding। जहाँ मम्मा बोलती नहीं अब्बा को के इसको देखो, स्कूल में टीचरें बोलती हैं बाल कटवा के क्यों नहीं आते तुम इसके, एंड यू बी लाइक मम्मा मैं नहीं जाऊँगा बाल कटवाने, देन अब्बा क्या बोलते थे? अच्छा बेटा मैं तुम्हें कुल्फी दिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। यू लाइक हाँ चलते हैं। तो तुम जब तुम कुल्फी के लिए कटोरा कट करा सकते हो नहीं से, बेसिकली वो जो है कट जो सब BTS वालों का है, तो उनका हजम क्यों नहीं हो रहा? और आखिरी रीज़न दैट वाई डू पाकिस्तानी मैन हेट BTS, अरे ये तो खुश रहे हैं इनके जिसमें बाल ही नहीं है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ऑफेंड नहीं होना, लेकिन अगर वो खुश रहे उनके जिस्म पे बाल नहीं है तो तुम क्यों ग्रिजली बेयर बन के घूमते हो? मतलब यार देखो सिंपल सी बात है, वो जहाँ रहते हैं वो उनका नॉर्म है, उनको ऐसा रहना पसंद है, तुम लोग को बाल की दुकान बन के रहना पसंद है। किसी ने कुछ कहा तुमसे लड़की फिर भी शादी करती है ना, तुम्हारी बहन तुम्हें फिर भी डिसोन नहीं करती, तुम्हारी अम्मा तुम्हें फिर भी रोटियां पका के देती है ना, तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? बट इन तीनों चीज़ों का रीज़न ये नहीं है कि दे जनरली हेट देम, नहीं नहीं नहीं, दे हेट देम बिकॉज ऑफ देयर शगुफ्ता शुमाइला एंड रूबा शॉर्ट टर्म गर्लफ्रेंड। एक तो ये टेकिन लोगों के ना शशके मुझसे झेले नहीं जाते, कभी टिकटॉक बनाते हैं तो कभी छोड़ो वो छोड़ो, हम बात करते हैं अपनी बात करते हैं। तो अपनी गर्लफ्रेंड्स की वजह से पाकिस्तानी मर्दों को मखसूस खसूसन BTS वाले जहर लगते हैं, क्योंकि उनकी गर्ल उनको क्या कहती है, यार देखो जोंगकुक कितना हैंडसम है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। उधर इनका दिमाग गर्म हो जाता है, मेरी होने वाली बीवी किसी और से शादी करने की बातें कर रही है, खुश रहे। लेकिन जमाल दिस इज़ फॉर यू,
देखो रूबा शुमाइला और अतीका को वो लोग इसलिए पसंद है, वो उनकी तारीफें इसलिए करती है क्योंकि वो उनके पास नहीं है. अपेरेंटली यू आर विद देम तो शी इज अनग्रेटफुल बिच. अगर कल को जंगकुक उसका बॉयफ्रेंड बन गया ना तो परसों बोलेगी मुझे शॉन मेंडिस पसंद है. बिकॉज अब तुम बोलोगे यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड पे इतनी गंदी एलिगेशंस लगा रही हो किशमिश. मैं एलिगेशंस इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज शी इज अ डू अंडरस्टैंड जमाल, दिमाग में डालो. टू ऑल द जमान्स आउट देयर, आपकी रूबा शुमाइला शगुफ्ता आपके साथ नहीं रहने वाली, शादी फुप्पो की बेटी से ही होगी आपकी. होल्ड योर हॉर्सेस एंड स्टॉप बीइंग जजमेंटल. और अब सब बोलेंगे इसको बीटीएस पसंद है तभी ये बीटीएस की इतनी अच्छाई कर रही है ना. बायस, आई एम नॉट अ बीटीएस फैन. हाँ मैंने कुछ गाने सुने हैं, उनका म्यूज़िक अच्छा है लेकिन जनरली मैं उनकी फ़ैन नहीं. और इसलिए कि पाकिस्तानी मत मुझे ना बुरा बोलें या अपेरेंटली मुझे बायस्ड बोलेंगे, तो मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन बीटीएस फैंस वालों के लिए भी देना चाहती हूँ. गाइस स्टॉप ओवर रिएक्टिंग ओके. अगर वो कह दे आई हेट बीटीएस देन यू लाइक वो व्हाई डू यू हेट बीटीएस, हां यू स्टूपिड यू बिच यू दिस एंड दैट. कम ऑन व्हाई डू यू केयर. आई मीन आई लव टेलर स्विफ्ट बट अगर मुझे कोई कहता है आई डोंट लाइक टेलर, आई डोंट लाइक हर सॉन्ग्स, then I simply say okay dude if you don't like her so just it's okay that's better. मैंने इस पर दूसरों का कॉलर पकड़ के उनको बोलूँ BTS को पसंद करना वाला मैं तुम्हारा खून कर दूंगी. That's wrong क्योंकि मैंने देखा है मेरी खुद की दोस्त है आर्मीज है आर्मी, उन लोगों को कहा जाता है जो BTS के फैंस होते हैं एंड दे लिटरली स्टार्ट फाइटिंग विद पीपल. आई एम लाइक या सेम आई एम लाइक. तो BTS फैंस प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, कोई आपके BTS वालों का खून नहीं कर रहा जस्ट बाय सेइंग कि वी डोंट लाइक देम. और आप क्यों ऑफेंड हो रहे हो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह के, कौन सा BTS के फैंडम को या BTS के चार्म को या BTS के फेम को कुछ हो जाएगा. नहीं ना, आप पाकिस्तान में रहते हो यार, BTS वाले जानते भी नहीं हैं पाकिस्तानियों को. आई मीन गो स्टडी एंड ग्रेजुएट and get yourself a job. Varna jab road pe aa gaye na to BTS wale nahi aayenge bachane tumhe, yehi Jamal se shaadi karni padegi tumhe. Yeah. To aaj ka Bakwas News Network ka episode yahin pe ikhtitam hota hai. Milte hain next episode mein.